कमेंट आ रहा था UPHDV का पर्सनल MCB क्यों नहीं लगाते। तो मैं देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्नाइडर कंपनी का MCB है और आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी को मेजरमेंट ले लिए और उसके बाद वायर को छील लेते और इसको क्लिपिंग कर देते हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्लिपिंग काफी आसानी से हो गया। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम लोग करना था वो पूरा कम्प्लीट कर दिए। हाय एवरीवन, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे UPS का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किस तरीके से वायरिंग किया जाता है। तो देखिए हमारे पीछे तरफ हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये हमारा UPS है, ये हमारा PDV है। तो हम आपको बताएंगे UPS का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। बाकी बहुत सारा मेरे पास कमेंट आ रहा था, हमारे सब्सक्राइबर भाई ने पूछ रहे थे मेरे को, सर आप UPS का क्यों MCB बॉक्स नहीं बैठाते। तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे यहाँ पर क्यों नहीं बैठाते और किस लिए यहाँ पर अलग से UPS का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बैठ रहा है। तो दोस्तों वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चल दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए हम एक वीडियो लेके आ चुके हैं और काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था UPHDV का पर्सनल MCB क्यों नहीं लगाते। तो मैं आपको बता देता हूँ, हाउस वायरिंग में तो बिल्कुल नहीं होता। हम लोग इंडोर स्टेडियम पे है ना, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीड काम हो रहा है, ये गवर्नमेंट वाला काम, तो इसके लिए पर्सनल UPS का वायरिंग होने वाला है। आपको बता देते हैं यहाँ पर आपको पूरा UPS का पर्सनल वायरिंग कैसा करना है पूरा डिटेल बताएंगे आज की वीडियो में, और कैसे तरीके से कनेक्शन करेंगे पूरा डिटेल अभी बताने वाले हैं आपको, और MCB वायरिंग पूरा कंप्लीट करके आपको बताएंगे और कौन कौन सा कहाँ का है UPHDV का वायरिंग पूरा। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर SPN का MCB बॉक्स है और ये साइड में देखिए, सबसे पहले हम लोग को वायर जो MCB बॉक्स है सबको क्लीन करना है। हम लोग रोलर लेके आ गए हैं और उसके बाद ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है यहाँ का। तो हमारे पास तो फ़ोन में है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं क्योंकि आपको फ़ोन पे समझ नहीं आ रहा होगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो ये इंडोर स्टेडियम है और हम लोग आ गए आराना के पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए आराना में आ गए, तो उसको हम लोग को आपको देखिए यहाँ पर देखिए PDV LDV और ये UPHDV पे आ जाते हैं हम लोग। और ये साइड पे देखिए यहाँ पर MCB का पूरा प्लान दिया गया है। सबसे पहले देखिए LDV 1, LDV 2, ये हमारा आराना के लिए। उसके बाद UPH2 देखना है अपने को, देखिए UDB, ठीक है। UDB जो हमारा UPS का UDB दिया गया है, इसमें देखिए U1, U2, U3 और U4, U6 और U5। देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर पॉइंट देगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 MCB लगेगा। कितना एम्पियर का? 6 एम्पियर का, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कौन से जगह पे कहाँ का UPS का आ रहा है, ये पूरा डिटेल बताया गया है। तो हम यहाँ पर प्लानिंग देखना है उस हिसाब से अपने को ये UPS का पॉइंट करना है। यहाँ पर देखिए पूरा प्लानिंग करके यहाँ पर लिख दिया गया है, योगा रूम लिखा हुआ है, लाइटिंग के लिए लिखा है और एग्जिट एंट्री की जो हमारा लाइट पॉइंट है उसके लिए भी दिया गया है। तो ठीक है ये हमारा 6 एम्पियर का लगने वाला है और इसके नीचे में देखिए 32 एम्पियर DP लिखा हुआ है। और इसके लिए वायरिंग देखिए यहाँ पर जो पैनल से वायरिंग कितने mm का आएगा, यहाँ पर कंड्यूट वायरिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए 2 square mm बाई मतलब दो वायर आएगा अपना 4 mm का, उसके बाद 1 4 mm का वायर। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारे पास PDV और UPHDV, ठीक है। इसको हम लोग पूरा क्लीन कर दिए और ये ड्रेसिंग भी कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्रेसिंग करने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये पर्सनल पूरा वायर है, ठीक है। UPS का यहाँ पर क्यों अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बैठाया जाता है गवर्नमेंट काम क्या चाहे इंडस्ट्रीड में, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा ऑनलाइन UPS रहता है, ठीक है। तो ऑनलाइन UPS में हमारा क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रल नहीं जाएगा ना यहाँ से अर्थिंग नहीं जाएगा, इसका पर्सनल वायर रहना चाहिए, ठीक है। लाइट का रह जाए चाहे स्विच बोर्ड, इसका भी स्विच बोर्ड पर्सनल अलग है। आपको वीडियो देखना है ना तो बहुत सारा डिस्कशन में डला हुआ है, नहीं तो मेरे चैनल पर जाइए आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। UPS का स्विच बोर्ड का वायरिंग भी बताया गया है। तो हम अभी हमको आपको बताएंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स UPS का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये किए हैं और पैनल से हमारे को कितने mm का वायर आएगा पूरा अभी डिटेल बताएंगे वीडियो पे। और अभी देखिए यहाँ पर अपने को जो क्या मिला, ये हमारा पैनल से आया, ठीक है। ये हमारा पैनल से आएगा, यहाँ पर 3 phase का पैनल लगेगा, उससे अपने को सप्लाई आया है यहाँ पर देख सकते हो।
ये दोस्तों आपको पता चल गया ये 4 mm का वायर है और जितना भी हमारा सर्किट से आई ये 2.5 mm का ब्लैक वायर है और ये ब्लू वायर हमारा रनिंग अर्थिंग होगा यहाँ पर और ये हम लोग फेस यूज करने वाले हैं। और आपको यहाँ पर कंफ्यूज लग रहा होगा रेड वाला फेस और ये क्यों बनाया, तो वायर के हिसाब से अपने को बनाना पड़ता है और ये दोनों रनिंग अर्थिंग है और डबल रनिंग अर्थिंग दिया जाता है ताकि कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर RCCB MCCB जो लगे रहेगा वो ट्रिप हो जाना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी लोग का कमेंट भी आ रहा था PDB का वायरिंग कब करके बताओगे, तो हम उसको भी बताएंगे आपको। यहाँ पर RCCB MCB लगेगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए सभी को ना केबल टाई से यहाँ पर अच्छे से आपको न्यूट्रल से समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यू टेप का लेना है, कहाँ पर लूपिंग करना है उस हिसाब से, और ये पार्ट बाई पार्ट जो है हम लोग यहाँ पर इसको यू सर्कल में लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट लेना है, उसके बाद बाकी जितना भी है मेजरमेंट हो जाएगा। ये मेजरमेंट हो गया और इसको हम लोग को कटिंग कर देना है यहीं पर, तो केबल टाई को कटिंग कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है और इसको जो मेजरमेंट लिए ना उसी साइज में अपने को काट देना है इसको। और काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था वायर वेस्टेज नहीं होता, देखिए होता भी है। हम बात जो है आपको बताऊंगा इसको क्या करना है, ठीक है। यहाँ कटर यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कटर है दोस्तों आपको चाहिए ना इसका लिंक जल्दी से कमेंट करो, मैं इसका लिंक डाल दूंगा आपको। देखिए वायर तो छिल दिए, उसके बाद हम लोग को इसमें पिन लगाना है, ठीक है। ऐसे ही टाइट नहीं कर देना अपने को क्योंकि यहाँ पर लूज सर्किट होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पिन है और इसका नंबर के हिसाब से अपने को चेंज करना है। तो हम लोग ब्लैक कलर का वायर यूज कर रहे हैं, तो 2.5 mm का अलग रहता है, ठीक है। ये ब्लू है हमारा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपने को पिन का काम है, कलर का कोई मतलब नहीं अपने को क्योंकि वायर का तो हमारा कलर है। तो ये देखिए यहाँ पर सबको ये पिन लगा देते हैं। आज हमारा क्लिंपिंग टूल्स का काम है और बारीकी से सबको एक एक करके ऐसे प्रेस करते जाना है और ये देखिए कैसा क्लिंपिंग हो रहा है। ये प्रोफेशनल वायरिंग करना रहेगा ना तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वाले लोग को पता है डबल वायर को मोड़ते हैं और MCB पे लगा देते हैं, ना कुछ कहीं भी पॉइंट कर देते। ये हो गया, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर पे टाइट कर देते हैं। लगा दिए, अभी हम लोग को स्क्रू यहाँ का खोल लेना है और इसको जो है अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। ये नट को हल्ला का खोलना है और ये देखिए काफ़ी प्रोफेशनल हो रही है काम अपना। ये देखिए इस तरीके से पिन को पॉइंट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग तो प्रोफेशनल वाले काम तो कर रहे हैं, फिर अपने पास स्क्रू ड्राइवर कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नया करना पड़ेगा। पर देखिए प्रोफेशनल काम करने के लिए क्या लेके आए हैं अपन, एक मशीन लेके आए हैं ताकि अपने को जो है काम जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। तो जिस जिस जगह पे अपने को चाहिए उसी जगह पे हम लोग को इसको खोलना है और ये काफ़ी आसानी से खुल जाता है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, देख रहे हो, कहीं भी आप इसको काम करना है ना काफ़ी मस्त है और आसानी से खुल भी जा रहा है। तो इसी तरीके से और बचा है दो पिन, दोनों को लगा देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वाला है, कार पे लगा दिए। बीच वाले में क्या करेंगे यहाँ का आपको बाद में बताएंगे क्योंकि ये हो गया कंप्लीट। और इसको जो वायर जो है मेजरमेंट कैसे लेंगे, इसको देखिए ऐसा लेना है पीछे तरफ और इसको जो है पीछे तरफ प्रेस करके रख देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया MCB का न्यूट्रल वाला पॉइंट ड्रेसिंग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल पे तो कर दिए, अभी हम लोग अर्थिंग पे कर रहे हैं यहाँ पर पिन लगा के इसको अच्छे से क्लिंपिंग, ठीक है। तो इसके बाद करने के बाद उसमें टाइट कर देंगे, पैर पे मारते रहते हैं तब जाके हमारा ये नट खुलता ना। तो देखिए ये खुल गया, उसके बाद काफ़ी सिंपल ही है, एक एक करके पॉइंट पे हम लोग को इसको लगा देना है, फिर ये राइट और लेफ्ट करना है, ठीक है। ये हो गया, तो देखिए यहाँ पर हम लोग अर्थिंग वाले को भी अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। उसके हमारा इनपुट है, दो इनपुट है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है और ये बस बार दो है, तो हम लोग एक ही तरफ है तो एक ही तरफ हम लोग दोनों अर्थिंग को दे देंगे वहाँ पर ले। तो इसके पहले अपने को फिनिशिंग करने से टेप लगा के यहाँ पर टाइल लगा कर लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्नाइडर कंपनी का MCB है और आपको बता देते हैं यहाँ पर देखिए MCB SPN, ठीक है। ये 6 एम्पेयर का है, सी के डिग्री का, आप देख सकते हो 10 kW लोड दे सकते हैं यहाँ पर। इसका प्राइस रेटिंग आप देख सकते हो, काफ़ी हेवी कंपनी का है, स्नाइडर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और इसका 32 एम्पेयर का आपको दो पोल का DP देखिए यहाँ पर, MCB दो पोल का DP है यहाँ पर 32 एम्पेयर का और ये भी सी के डिग्री का, ठीक है। इसका प्राइस रेट देख सकते,
तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर MCB हम लोग बाहर कर दिए हैं, और कैसा लगेगा आपको बता देते हैं। हम लोग 32 एम्पियर का MCB लगा रहे हैं, ठीक है, डबल पोल का। तो इसको काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर लॉक पॉइंट रहता है, इसको हल्का सा करना है ऐसा प्रेस, ये देखिए सेटअप हो गया। इसी तरीके से अपने को टोटल 5 MCB लगाना है 6 एम्पियर का। तो ये काफ़ी सिंपल है, सभी को इस तरीके से ऐसा बैठाना है, ठीक है, नाम को सीधा देख लेना है और ऐसा बैठाना है, ठीक है, ये हो गया। और नीचे तरफ हल्का सा खुल जाएगा तो लॉक कर लेना, ये हो गया। एक पीस और बचा है अभी, टोटल अपने को 5 लगाना है। वहाँ पर स्पेयर पे तो एक दिया था, फिर हम लोग स्पेयर नहीं लगाएंगे और ये फाइनल रखेंगे इतना ही। टोटल 6 दिया था, हम लोग 5 का काम है तो 5 ही लगाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोग कमेंट करते थे U1 U2 क्या है, तो अभी हम आपको बताएंगे U1 U2 का मतलब क्या होता है। हम लोग को चेक करने जाना नहीं पड़ेगा, हम यहीं पर आपको पता चल बता देंगे कौन सा वायर कहाँ का है। तो U1 यहाँ से स्टार्टिंग है, तो U1 U2 U3 U4 U5 लिख देंगे अभी मार्कर पर। तो देखिए दोस्तों सभी को मेजरमेंट ले लिए, और उसके बाद वायर को छील लेते हैं सेम प्रोसीजर में जैसे बाकी को छीले वैसे ही। और उसके बाद सीरियल वायर यहाँ पर पिन लगा देंगे, और पिन लगाने के बाद जो है हम लोग डायरेक्ट इसको MCB पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पिन लगा दिए, उसके बाद क्लिंपिंग करते हैं। और एक दो वायर डबल है, तो डबल के लिए भी क्लिंपिंग पिन आता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डबल नहीं है तो हम उसके लिए बड़े वाले यूज कर देंगे कोई सा भी, ठीक है, डबल वायर आ सके उसमें कर लिए, ताकि ये दोनों वायर जो है आ सके। और इसको क्लिपिंग कर देते हैं, देख सकते हो यहाँ पर क्लिपिंग काफ़ी आसानी से हो गया। और ये देखिए इसको हम लोग को डायरेक्ट MCB पे लगाना है, तो हम लोग को तो पता है हम लोग छोटा छोटा करके रखे हैं कौन सा पहले वाला है, सबसे बड़ा वाला पहले वाला होगा। उसके पहले हम लोग को ना इसको ना टाई लगा देना है एक दो जगह, उसके बाद करेंगे यहाँ पर टाइट करेंगे। उसके बाद एक एक करके यहाँ पर MCB पे लगा देना है। नंबर वाइज है पूरे यहाँ पर हम लोग, क्योंकि मेजरमेंट लिए ना तो पूरे नंबर से हम लोग कटिंग करिए। 3 नंबर है, सिंग करने में दिक्कत मत जा, ठीक है, ये हो गया सेटअप। अब आते हैं, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर इनपुट वाले सेक्शन पे, ठीक है। यहाँ से इनपुट कैसे करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रल देंगे इसमें, और सबसे पहले हम लोग जो है DP पे हम लोग पॉइंट डालते हैं, इसको मेजरमेंट लेते हैं अच्छे से और उसको MCB पे कनेक्ट करेंगे। इसमें दोनों वायर मेजरमेंट ले लिए हैं, और उसके बाद जो है इसमें लक्स लगाएंगे। मेन लाइन का हम लोग को यहाँ पर 4 mm का पिन लगा दिए, और इसको अच्छे से क्लिंपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए टाइट कर दिए अच्छे से। और इसको हम लोग को कहाँ पर लगाना है, पर MCB में अच्छी कंपनी में बस बार आता है, ठीक है, तो बस बार बिल्कुल लगाना है। यहाँ पर वायर से बिल्कुल लूपिंग नहीं करना है, ऐसा लूपिंग वाला बिल्कुल नहीं बनाना। इसको दिया क्यों जाता है, इसके लिए दिया जाता है, इसके लिए बस बार। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट गिनती करेंगे, 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट के लिए हम लोग बस बार कटिंग करेंगे। और एक न्यूट्रल लूपिंग के लिए यहाँ पर देखिए 10 mm का वायर दिया गया है, RR केबल से आया, और यहाँ पर पिन दिया गया है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ, तो मेजरमेंट देखेंगे सही रहेगा तो फिटिंग करेंगे, नहीं तो हम दूसरे पिन बनाएंगे इसी तरीके से। देखिए टर्मिनल जो हम लोग जो न्यूट्रल बस बार है उसको कटिंग कैसे करेंगे, प्लास से इसको एक को सीधा करना है और एक को ऐसे प्रेशर से दबाना है और 2-3 बार मोड़ देना है। ये कॉपर वाला पट्टी आपको बता देता हूँ, पूरा प्योर कॉपर है, आप देख सकते हो। तो इसको एक को एक्स्ट्रा किए हम लोग, और ये फ्रेम है इसका, तो ये कवर देखिए यहाँ पर सेटअप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना दूर लेना नहीं है, लंबे नहीं करना है, तो इसको भी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये पिन को यूज में लिया जाता है। तो देखिए न्यूट्रल का 20 वाले टर्मिनल पे हम लोग डाल दिए बस बार पे, और इसको अच्छे से फुल टेस्ट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर लूज कनेक्ट नहीं रखना। दोस्तों हम लोग MCB पे ले आए और इसको अच्छे से फुल टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा न्यूट्रल का पॉइंट हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ से अपने को यहाँ पर जो हम लोग बस बार कटिंग की है ना उसको हम लोग को बैठाना है, ठीक है। ये देखिए बस बार वाला जो पॉइंट है इसको कहाँ बैठाना है दोस्तों, ये इसमें पॉइंट के लिए, ठीक है, जो छोटा सा टुकड़ा है बोल के यूज कर रहे हैं, 4 mm भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि इनपुट 4 आ रहा है तो आउटपुट भी 4 ही जाएगा। तो इसको मेजरमेंट लेंगे सही से, और इसमें पिन लगा के पहले यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो देखिए ये बस बार और ये पिन, ठीक है, ये पिन का भी काम है एक ही साथ, ठीक है, क्योंकि ये पत्ती जो है ये यहाँ पर स्क्रू पे फिटिंग होता है। और उसके बाद जो है इसको 4 MCB है ना, तो एक बीच से
तीसरे दूसरे वाले पे डाल देते हैं, ठीक है, नीचे वाले टर्मिनल पे। कैमरामैन फोकस करिए, नीचे में दिखा दीजिए, यहाँ पर नीचे में जो हॉल है वहाँ पर पॉइंट किए, ठीक है, ये देख सकते हो। और उसके बाद जो है सबसे पहले जो है ना इसी को टाइट करना है अपने को, दो जो दूसरे नंबर में किए ना उसी को टाइट करना है। उसके बाद जो है एक एक करके सबको टाइट करना है। डिसकनेक्ट करने के बाद जो है इसमें हम लोग को क्या डालना है, पिन डालना है। जैसे ये 6 mm का वायर है तो 6 mm के लिए भी पिन है अलग से, मैं आपको बताना भूल जा रहा हूँ। ये देखिए अलग से 6 mm का पिन है, इसको क्लिंक करना है और उसके बाद जो है इसको क्लिंपिंग करना है, ठीक है, ये हो गया। और ये येल्लो दिख रहा है ना तो उसमें आप रेड टेप लगा सकते हो, क्योंकि हर कलर का जो है पिन हमारे पास अभी नहीं है। तो ये देखिए रेड वाले जो है यहाँ पर लगा दिए, तो ये रेड बन गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर लें, ठीक है, स्क्रू यहाँ पर मेन वाले पे सर्किट पे टाइट। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम लोग करना था वो पूरा कंप्लीट कर दिए यूपीएस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे। यहाँ देखिए एसपीएन का जो एमसीबी लगा है यहाँ पर 4 लगा है, 2 स्पेयर दिया था, स्पेयर हम लोग हटा दिए, यहाँ पर कुछ काम नहीं है उसका, वायरिंग तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए डीपी दिया गया है मेन, उसके बाद सब एसपीएन है 4, ठीक है, यहाँ पर अभी सप्लाई नहीं आ रहा है तो आपको टेस्ट करके नहीं दिखा पाएंगे। और ये देखिए ये इनपुट हुआ यहाँ पर 4 mm का, उसके बाद आउटपुट गया यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ पर बस बार पे, उसके बाद फेस आया यहाँ पर इस नीचे वाले बस बार पे गया, ठीक है। और जितना भी अर्थिंग और न्यूट्रल आपको समझ आएगा कहाँ पर काम आप लूपिंग किए। और ये कम्प्लीट हो चुका वायरिंग, उसके बाद इसका डबल डोर जो कवर है वो हम उसको बैठा देते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, कुछ सवाल करना है तो पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है इसके लिए और क्या क्या, बहुत जन बोलते हैं इसके अच्छे तो हम ड्रेसिंग कर सकते हैं, तो आप भी ड्रेसिंग करते हो वीडियो मेरे को फोटो सेंड कर देना, मैं व्हाट्सएप नंबर एक दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ हम लोग को नट लगा देना है। लदे ये सर आप अर्थिंग डालते हो यहाँ पर, तो ये इसका काम क्या है, तो ये आपको बता दूँ जब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को कहीं खोलने आएगा ना तो करेंट लग सकता है ना, इसीलिए लीकेज करेंट के लिए अर्थिंग यहाँ पर बॉडी पे देना निहायती दरकार है, ठीक है। तो फाइनल हम लोग यहाँ पर इसका जो एमसीबी का प्लान देखें, इलेक्ट्रिकल प्लान वहाँ पर लिख दिए मेन लाइन UPS 1, देखिए यहाँ पर U1 U2 U3 U4 है, ठीक है। तो इसमें क्या जलेगा, यहाँ पर एग्जिट एंट्री का जो हमारा लाइट पॉइंट रहेगा, उसके बाद योगा रूम का है, ठीक है, योगा रूम, उसके बाद देखिए जिम लिफ्टिंग यहाँ का पॉइंट है जिम वाले एरिया का, उसके बाद फिर से यहाँ पर लाइट पॉइंट के लिए जो हमारा एग्जिट एंट्री का लाइट पॉइंट है वो रहेगा दोनों तरफ, ठीक है, 4 और 1 पे एग्जिट एंट्री का लाइट पॉइंट है। और ये देखिए UDB 2 है ये, और इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका दोस्तों। आज का डेट भी डाल दिए यहाँ पर, अपना स्टिकर लगाना बस भूल गए, नाम लिखना था, हम लोग स्टिकर ला के चिपका देंगे। और फाइनली आपको पता चल गया किस तरीके से UPS का वायरिंग किया जाता है, ठीक है। UPS का पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बैठाया जाता है क्योंकि ऑनलाइन UPS यहाँ रहता है, ठीक है। तो ये फाइनल यहाँ पर सेटअप हो गया, ये अपना अलग है PDB है, ये हमारा UPS DB। तो फाइनल हमारा वायरिंग हो गया कंप्लीट, आपको समझ आएगा पार्ट बाय। स्टार्टिंग से आप देखे होंगे वीडियो तो आपको समझ आएगा कहाँ से कहाँ वायरिंग करना है, कौन सा वायर कहाँ पर जोड़ना है, पूरा डिटेल बताया गया है। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ आज के वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।